अब हम संख्याओं के आगे भिन्न को पढ़ेंगे। भिन्न जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो भिन्न कहलाती है, लेकिन क्यू बराबर नहीं है जीरो के। इस जो क्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं कि पी जो भिन्न का अंश कहलाता है, क्यू भिन्न का हर कहलाता है। सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो अंश बटे हर के रूप में हो वह भिन्न कहलाती है। जैसे 5/2 है तो इसमें 5 अंश हो गया, 2 हर हो गया। और आगे चलते हैं भिन्नों के प्रकार। भिन्न तो छह प्रकार की होती हैं, लेकिन हमें प्रकारों से ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी है, हमें उनको बारे में जोड़ना घटाना गुणा भाग आना चाहिए, जिसको हम सीखेंगे। वैसे हम देख सकते हैं कि पहली है उचित भिन्न और दूसरी है अनुचित भिन्न। उचित और अनुचित भिन्न को हम कैसे पहचानेंगे वो उसके अंश और हर पर निर्धारित करता है। उचित भिन्न में हर अंश से बड़ा होता है वो उचित भिन्न कहलाती है। जैसे 1/2, एक अंश और दो हर, जो अंश से हर बड़ा है, हर अंश से बड़ा, तो ये हर है, ये इससे बड़ा है, तो ये हो गई उचित भिन्न। उचित भिन्न में सीधी बात है, ऊपर वाली संख्या छोटी होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पर है, ऊपर वाली संख्या छोटी है, अंश छोटा है, हर बड़ा है। यहाँ अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये हो गई उचित भिन्न। और अनुचित भिन्न में अंश हर से बड़ा या बराबर होता है, इसका ठीक विपरीत है, हर अंश से बड़ा, यहाँ पर हर अंश से छोटा है। देखो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, तो नीचे वाली संख्या बड़ी है, हर बड़ा है। यहाँ पर अंश 4 है, हर 3 है, तो 3 छोटा है, 4 बड़ा है। यहाँ ऊपर वाली संख्या छोटी, यहाँ ऊपर वाली संख्या बड़ी, तो ठीक इसके विपरीत हो गया, तो बड़ा या बराबर। यहाँ 4/3, 7/5 और 3/3 भी हो सकता है, तो बराबर भी हो सकता है और हर छोटा भी है, तो ये कहलाती हैं अनुचित भिन्न। तीसरा नंबर है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में एक ऐसी संख्या आती है जो पूर्णांक और भिन्न से मिलकर बनी होती है। जैसे पूर्णांक हो गया 3, ये एक पूरा अंक है, और भिन्न जो टुकड़ों में बटी हुई है, मतलब अंश बटे हर, तो 3 सही 2/3 इसको ऐसे पढ़ते हैं, और ये 5 सही 2/7 इसको ऐसा पढ़ा जाता है, 2 सही 3/4 ऐसी संख्याएं मिश्र भिन्न कहलाती हैं। अब आगे है मिश्रित भिन्न। मिश्र और मिश्रित में थोड़ा सा अंतर है कि इसका जो अंश है वो भी एक भिन्न है और जो हर है वो भी एक भिन्न है। ये यहाँ से पूरा भिन्न और ये भी एक भिन्न, बटे वाली संख्या ऊपर, बटे वाली संख्या नीचे, ऐसी संख्या मिश्रित भिन्न कहलाती हैं। और ये व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न में क्या है, 5/2 की व्युत्क्रम भिन्न 2/5 है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, किसी भी संख्या को उल्टा कर दिया है हमने, अंश को हर, हर का अंश बना दिया, तो वो व्युत्क्रम भिन्न हो गई। अब आ गया छठवां नंबर वितत भिन्न। वितत भिन्न का ऐसा रूप जो कहलाता है वो वितत भिन्न होती है।